they can swim in the Ukraine business किया जाता है या तो फर्म से करते हैं या कंपनी से करते हैं जब फर्म से करते हैं बिजनेस का बिजनेस को फॉरेन चला लेते हैं कोई जरूरत नहीं है कि आप कोई फर्दर प्रोसेस करें क्या होगा इससे फर्म से करेंगे फर्म से अगर बिजनेस करते हैं फर्म आपको मालूम है दो किस्म की होती है तो इंडिविजुअल या एओपी जिसको पार्टनरशिप कहते हैं इंडिविजुअल में प्रॉफिट हो तो भी इंडिविजुअल का है लॉस हो तो भी इंडिविजुअल जिम्मेदार है जिसका ऑनर है मालिक सिंगल ऑनर अच्छा अगर फर्म एओपी से है तो प्रॉफिट है तो सारे पार्टनर जिम्मेदार हैं लॉस है तो सारे पार्टनर जिम्मेदार हैं ओके बिजनेस में क्या होता है कंपनी में अगर कर रहे हो तो पहले आपको एक लीगल बॉडी क्रिएट करनी पड़ती है कागज का बच्चा बनाना पड़ता है वो कागज का जब बच्चा बन जाता है और आपको गवर्नमेंट सॉरी एससीसीपी से सर्टिफिकेट मिल जाता है सीओआई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो फिर आप बिजनेस करते हो जब बिजनेस करते हो तो प्रॉफिट होता है तो ये उन ओनर्स को मिल जाता है जो कंपनी के ओनर्स हैं ठीक है शेयर होल्डर्स जिसको डिविडेंड कहते हैं और अगर लॉस होता है तो वो कंपनी खुद अपने पास रखती है जो कागज का बच्चा जो है वो खुद अपने पास रखेगा इससे बहुत फायदा है कि अगर आप बिजनेस आपका बूम पे आ जाता है और बूम पे आने के बाद लॉस होता है क्योंकि बहुत बड़े 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 बिजनेस देखे जो डूबते हुए देखे बहुत बड़े बिजनेस गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया डच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बड़े बड़े बूम के बिजनेस किए नोकिया ने बड़ा बिजनेस किया है लेकिन हर अरूज का सवाल है जब जवाल आया तो बच गया इसके ओनर इसलिए कि लॉस हुआ तो कंपनी के पास चला गया और जो प्रॉफिट हो रहा था उसके ओनर दे रहे थे जो इसको हम लीगल जबान में क्या कहते हैं डिविडेंड आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आएगा थैंक यू